बिस्मिल्लाह रहमान। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद जुबैर और आप देख रहे हैं जुबैर व्लॉग। आज दोस्तों हालत आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अभी हम नहाएंगे, तैयारी करेंगे, फिर हसन को झूला देंगे। हसन झूला लेना है? अच्छा, ये मेरा बेटा है मोहम्मद हसन, इसको हम झूला भी देंगे, फिर कपड़े साफ पहनेंगे, फिर कहाँ जाना, कहाँ जाना, बाहर जाना। अच्छा, फिर हम बाहर जाएंगे, घूमेंगे। और बारिश भी आई हुई है, बारिश आई है। हाँ चलो, तो अभी मैं नहा के तैयारी करके तो फिर निकलते हैं यहाँ से, इसको झूला देंगे, दुकान से कुछ चीज लेके देंगे, फिर जाएंगे हम टोबा टेक सिंह। क्या पहले दोस्तों हमने जो है तैयारी कर ली है, नहा लिया और अब हम तोहफा के लिए निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बारिश फिर से शुरू हो चुकी है, आज सुबह से बारिश ही आती है। तो अभी जाना तो है किसी भी तरीके से, सामान वहाँ पे जाके लेना है और दो चार काम भी, और चीज़ें भी लेनी है, आसन के लिए सामान भी लेना है। निकलते हैं, देखते हैं क्या बनता है, कहाँ तक ज़्यादा बारिश है। तो अभी आप फिलहाल पोजिशन देख रहे हैं, बारिश शुरू हो चुकी है और रास्ते में असद भाई भी खड़ा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कपड़े गीले हो चुके हैं। उसको भी टोबा लेके जाना है, उसको भी काम है, अपने भी सामान लेना है, वो मेरे इंतज़ार में खड़ा है। तो पहले उसको उठाएंगे, फिर निकलेंगे टोबा शहर के लिए और वहाँ पे जाके जो सामान लेना वो लेंगे। दोस्तों आपको दिखाते हैं सारा माहौल, बारिश बहुत ज़्यादा शुरू। फाइनली यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, ये अमीन भाई है गैस वाले और वो असद खड़ा है बाइक पर रेडी, और आप देख सकते हैं बारिश इस टाइम हो रही है, फिर भी हम टोबा के लिए निकल रहे हैं। तो चलते हैं। ओए भाइयों, बहुत बारिश तेज हो रही है, जाना पड़ेगा, मजबूरी है, सामान भी लेना और ज़रूरी सामान है, घर के लिए सब्जी भी लेनी है, मसाला भी लेना है, दुकान का सामान भी लेना है, तो फिर भी जाना पड़ेगा, मजबूरी है। बाइक देख सकते हैं, बाइक जर्नी करने वाली है ही नहीं, लेकिन फिर भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। तो अभी मौसम भी ठंडा हो चुका है और धूप भी लगी हुई है, कोई चीज़ खाने भी आ सकता है। समोसे नहीं, अच्छा चलो फिर जाके डिसाइड करते हैं क्या चीज़ खानी है। फाइनली दोस्तों हम टोबा पहुंच चुके हैं, भीगते भिगाते बारिश के अंदर, तो ये काम भी करना ज़रूरी था। रास्ते में बारिश ज़्यादा हो गई थी तो असद भाई पीछे चला गया, मैं आ गया। टोबा आने के बाद हमने समोसे खाने का डिसाइड किया, ये आप देख सकते हैं यहाँ से समोसे खाएंगे। आओ अब आए हम जहाँ से स्पेयर पार्ट लेते हैं, ये है सनी भाई, यहाँ से स्पेयर पार्ट लेते हैं हम लोग। बहुत म्यारी सामान होता है इनके पास, रेट भी बहुत जायज़ होता है, और सिटी थाने के बिल्कुल सामने इनकी दुकान है, जिस भाई को ज़रूरत हो यहाँ से बेधड़क होकर ले सकता है। तो ये मैं खड़ा हूँ फाटक के पास और पीछे से ट्रेन गुजर रही है, ये मेरे ख्याल में कराची से आ रही है और जा रही है लाहौर फैसलाबाद, ये हमारा छोटा सा स्टेशन है और ये पीछे से ट्रेन आ रही है, अभी ये रुकी हुई जगह। बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई आज, ये देखे दोस्तों आ रही है।